मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2009 में रिलीज हुई फिल्म व्हाट गोस अराउंड यानी कि सॉल्ट कुकलर की। और इस फिल्म से इंस्पायर होकर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एलेक्स नाम का एक आदमी नजर आता है जो कि एक घर में पियानो बजाता है और वो एक रियल इस्टेट एजेंट होता है। और फिर वो एक कपल को घर दिखाने में लग जाता है जिसमें एलेक्स उन्हें काफ़ी शांति से घर की चीज़ों के बारे में समझाता है और वो घर उस कपल को पसंद भी आता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। और तब एलेक्स उन्हें समझाता है कि इस घर का भाव बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है और उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, जिसमें वो उनमें से लड़के को अपनी बातों में मना लेता है, लेकिन वो लड़की को घर अभी भी महंगा लगता है। कुछ देर बाद एलेक्स वहाँ से अपनी ऑफिस जाने निकलता है और रास्ते में वो बेच सकने वाले घरों पर भी नज़र रखता है, जिसमें वो उसके साथी को ऑफिस में पहुंचकर बताता है कि जिस कपल को वो घर दिखाने गया था उन्हें वो काफ़ी महंगा लगा और उसका काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ। और तब उसका साथी उसे एक दूसरा घर अगले दिन क्लाइंट को दिखाने कहता है, जिसमें एलेक्स हाँ बोलता है, लेकिन उसकी लास्ट डील ना होने की वजह से वो खास खुश नहीं होता। और फिर एलेक्स अपने घर पर आता है जिसमें उसे घर के नीचे उसकी पत्नी मिया और उसकी बेटी कैट मिलते हैं। और वहाँ से मिया अपने काम पर जाने निकलती है जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर होती है। और तब एलेक्स कैट को लेकर घर पर आता है और फिर रात को घर पर एलेक्स की बहन जैन और उसका बॉयफ्रेंड सैम घर पर आए होते और वहाँ एलेक्स को ये चीज़ खास पसंद नहीं आती। और तब सैम और जैन अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं जिसमें वो कुछ ही वक्त पहले मिले थे। और तब एलेक्स सैम के काम के बारे में पूछता है और सैम एक हॉस्पिटल में नर्स होता है। और तब एलेक्स वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता होगा ये बोलता है, जिसमें जैन को उसकी बातें पसंद नहीं आती और मिया भी उसे शांत होने कहती है। और तब सैम बोलता है कि वो जितना भी कमाता है उसमें खुश है। अगले दिन सुबह एलेक्स और कैट खा रहे होते जिसमें कैट अपने पिता को स्कूल में एक मीटिंग के लिए बुलाती है, लेकिन एलेक्स काफ़ी भड़का हुआ होता है। और फिर एलेक्स वहाँ से अपने क्लाइंट को घर दिखाने के लिए मिलता है, जिसमें वो एक आदमी को घर भी दिखाता है, लेकिन वो क्लाइंट वहाँ से निकल जाता है। और फिर एलेक्स अपने दोस्त को ये बता रहा होता है और वहीं पर एक औरत उसकी कार के पास होती है और तब एलेक्स उस पर चिल्लाता है। और तब उसका दोस्त बताता है कि उसने और एक औरत को उसके पास घर दिखाने के लिए भेजा था और तब वो औरत एलेक्स को मिडल फिंगर दिखाकर निकल जाती है, जिसमें एलेक्स अपने गुस्से की वजह से उस घर को उसे नहीं दिखा पाता। कुछ देर बाद एलेक्स वहाँ से एक रेस्टोरेंट में आकर कॉफ़ी लेता है, जिसमें उसका बॉस उस पर भड़का हुआ होता है। और तब एलेक्स अपना सारा गुस्सा वहाँ की वेट्रेस पर निकलता है और वो काफ़ी गंदी दिखती है ये बोलकर एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद एलेक्स ऑफिस जा रहा होता है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों से काफ़ी परेशान होता है। और फिर वो आगे बढ़ता है और वहीं पर उसकी वाइफ का फ़ोन आता है, जिसमें वो कैट की स्कूल में मीटिंग में होती है। और रात को वो एलेक्स को घर पर जल्दी आने कहती है और तब एलेक्स काफ़ी बिजी है ये बताता है, जिसमें उसका ध्यान भटकने पर वो एक लाल गाड़ी को ठोक देता है। कुछ देर बाद एलेक्स उठता है जिसमें एक आदमी उसका मेकअप कर रहा होता है और वहाँ एलेक्स को क्या चल रहा है ये नहीं समझता। और तब वो आदमी बताता है कि एलेक्स फिर से पैदा होने वाला है, जिसमें एलेक्स चौंक जाता है और वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और वो घर बेचने का काम करता है, जिसमें वो यहाँ पर कैसे पहुँचा ये नहीं उसे समझता। और तब वो आदमी बताता है कि वो मर चुका है और अब वो बच्चा बनकर वापस पैदा होने वाला है। और तब एलेक्स पूछता है कि क्या ये स्वर्ग है, जिसमें वो आदमी एक दरवाज़ा खोलकर हाँ बोलता है। और तब एलेक्स भड़क जाता है और वो एक दूसरा दरवाज़ा खोलता है और तब एक गॉड उसका स्वागत करते हैं, जिसमें हर दरवाजे के पीछे वही होते। और फिर एलेक्स खुद को सभी गॉड्स के बीच में पाता है और वो वहाँ पर क्या कर रहा है ये पूछता है।
और तब गॉड उसे एक पहले वीडियो देखने कहते हैं और उस वीडियो में एलेक्स की पूरी जिंदगी के बारे में बताया जाता है, जिसमें वो पहले एक काफ़ी जोशीला लड़का था और वो पुलिस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बनने की टेस्ट में फेल होता है और फिर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट के काम में लग जाता है और उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड मियाँ से होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है और दोनों की एक केट नाम की बेटी भी होती है। और तब एलेक्स पूछता है कि अब वो कहाँ पर है और तब गॉड उसे एक हॉस्पिटल का वीडियो दिखाते हैं जिसमें एलेक्स का इलाज चल रहा होता है और उसका वो काफ़ी छोटा है ये बोलकर डॉक्टर एलेक्स पर हंसते हैं और तब गॉड भी हंसते हैं और वो बताते हैं कि एलेक्स के साथ वो एक गेम खेलने वाले हैं जिसे वाइट बॉल और ब्लैक बॉल कहा जाता है और वो इस गेम को जीत गया तो वो वापस धरती पर अपनी जिंदगी में लौटेगा और अगर वो हार गया तो उसे नर्क जाना होगा और इस गेम को जीतने के लिए एलेक्स को अपने स्वभाव को बदलना होगा। और तब एलेक्स बताता है कि उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा है और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता है और तब सब लोग हंसने लगते हैं और वहाँ गॉड बताते हैं कि एलेक्स को यहाँ पर 3 टेस्ट देने होंगे जिसमें हर गेम के बाद वहाँ के सभी गॉड्स वाइट बॉल्स या ब्लैक बॉल्स उसके पंप में डालेंगे जिसमें अगर वाइट बॉल्स ज़्यादा हुए तो वो वापस जा सकता है और अगर ब्लैक बॉल्स बढ़ गए तो उसे नर्क जाना होगा। और तब एलेक्स उसके टेस्ट के बारे में पूछता है जिसमें गॉड बताते कि एलेक्स हमेशा गुस्से में रहता है और वो किसी भी लोगों से अच्छे से बात नहीं करता और तब एलेक्स मना करता है और तब गॉड चुटकी बजाते हैं और एलेक्स खुद को एक वेकेशन में बीच पर पाता है और वहाँ से बच्चे पानी उड़ाकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और तब एलेक्स उन पर भड़क जाता है जिसमें वो वापस स्वर्ग में आता है और वो गॉड को बताता है कि वो उसे उकसा रहा था लेकिन वो अब गुस्सा नहीं करेगा और तब गॉड हंसते हैं और वहाँ के सारे गॉड्स पंप में ब्लैक बॉल्स डालते हैं और वहाँ गॉड बताते हैं कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा जलता है और तब एलेक्स इस चीज़ से भी मना करता है जिसमें गॉड बताते हैं कि उसकी वाइफ काफ़ी प्यारी है और वो हर तरह से परफेक्ट है और फिर वो चुटकी बजाते हैं जिसमें एलेक्स खुद को अपने घर पर पाता है और वहाँ पर उसके पास मियाँ आती है जिसमें एलेक्स खाना बना रहा होता है और तब मियाँ बताती है कि उसने ऑफिसर बनने की एग्ज़ाम दी है और वो पास हो गई और तब एलेक्स इस चीज़ से भड़क जाता है क्योंकि उसे भी पुलिस ऑफिसर बनना था और वो फेल हो चुका था और उसकी हाइट कम होने की वजह से वो फेल हुआ था ये बोलता है और तब मियाँ उसे शांत होने कहती है और तब एलेक्स उसे वहीं पर मार देने कहता है और फिर वो वापस आता है और वो भड़का हुआ होता है और तब वहाँ पर सारे गॉड्स फिर से ब्लैक बॉल्स पाइप में डालते हैं और फिर गॉड बोलते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है और तब एलेक्स बताता है कि वो हमेशा अपने परिवार के लिए चीज़ें एडजस्ट करता रहता है और वो अपने काम को छोड़कर भी अपने परिवार को संभालता है। और तब गॉड बताते कि वो उसकी पत्नी से जलता है क्योंकि वो ऑफिसर है और तब एलेक्स बताता है कि वो उससे 10 गुना बेहतर ऑफिसर बन सकता था और इसी वजह से वो थोड़ा सा जलस फील करता है और तब गॉड चुटकी बजाते हैं और एलेक्स को उसे साबित करने कहते हैं जिसमें एलेक्स के सामने एक गुंडा एक आदमी को मार रहा होता है और वहाँ एलेक्स ऑफिसर बनकर उसे रोकने आता है और तब वो गुंडा एलेक्स से गन लेकर उसके साथी को मारकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से वापस आने पर एलेक्स बताता है कि मियाँ उससे बेटर इस चीज़ को नहीं संभाल पाती और तब गॉड देखते हैं ये बोलते हैं और फिर मियाँ उसी सिचुएशन में दिखती है और वो गुंडा मियाँ के पास आता है और तब मियाँ उसे काफ़ी मारकर पकड़ लेती है और वहाँ एलेक्स भी चौंक जाता है और वहाँ बाकी सभी लोग एलेक्स पर हंसते हैं और फिर वो लोग और भी काले बॉल्स पंप में डालते हैं जिसमें वो 90% भर चुका होता है और फिर गॉड बताते कि एलेक्स के पास एक भी वाइट बॉल नहीं है और उसे मौका देने के लिए वो एलेक्स का घर बेच देने के लिए उसे पूछते हैं जिसमें एलेक्स हाँ बोलता है और तब गॉड खुद एक सेल्स एजेंट बनकर एलेक्स के घर को बेच देते हैं और फिर वो वापस आकर एलेक्स को 3 टेस्ट देकर खुद को वापस साबित करने कहते हैं जिसमें उसे एंगर यानी कि गुस्सा लालच और वासना यानी कि लस्ट तीनों चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा
और फिर वो एक टेबल को घुमाते हैं जिसमें एलेक्स के सामने उसकी पहली टेस्ट में गुस्से का टेस्ट आता है। और तब गॉड बताते कि अगर एलेक्स को टेस्ट में मदद चाहिए तो वो उसे एक एनवलप खोलने कहते हैं, और वहाँ से वो उसकी माँ के पास जा रहा है ये गॉड बताते हैं। और तब एलेक्स हाँ बोलता है और वहाँ गॉड उसे अब सीरियस होने कहते हैं क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। और फिर वहाँ से एलेक्स अपनी माँ के घर पर होता है और वहाँ उसकी माँ उसे खाना देती है जिसमें वो बार बार एलेक्स को खाते रहने कहती है, और एलेक्स को ये चीज़ पसंद नहीं होती, लेकिन अपनी माँ से भगवान को प्यार दिखाने के लिए वो खाने लगता है, जिसमें उसकी माँ बताती है कि उसकी बहन पिछले हफ्ते घर पर आई थी। और वहाँ एलेक्स को उसकी माँ की बोलने की स्टाइल पसंद नहीं होती और वो उन पर चिल्ला देता है, जिसमें उसकी माँ केक खाती है और वो खाते वक्त काफ़ी आवाज़ करती है, और इस चीज़ से एलेक्स काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। और वहाँ उसे एनवलप याद आता है और तब वो उसे खोलता है, जिसमें उसे उसकी माँ और उसकी बचपन की तस्वीर मिलती है, और तब एलेक्स खुश हो जाता है और वो अपने माँ को देखता है जिसमें वो उनसे प्यार करता है ये बोलता है। और तब उसकी माँ उसे और खाना खाने कहती है, जिसमें एलेक्स खुशी खुशी खाने लगता है और वो उसकी माँ के साथ मजाक भी करता है, जिसमें उसकी माँ हंसने लगती है। और फिर एलेक्स वापस आता है और तब वहाँ पर सभी गॉड्स खुश होते हैं और वो लोग वाइट बॉल्स पंप में डालते हैं, और वहाँ थोड़े ब्लैक बॉल्स गॉड एनवलप के बदले में भी पंप में डालते हैं, और इस चीज़ से एलेक्स खास खुश नहीं होता। और फिर वहाँ फिर से टेबल को घुमाया जाता है, जिसमें इस बार एलेक्स को अपनी वासना पर कंट्रोल करना होता है, जिसमें वो हाँ बोलता है। और तब गॉड उसे उसके साथ आएंगे ये बोलकर उसे एक न्यू ईयर की कंपनी की पार्टी में लेकर आते हैं, जिसमें एलेक्स के काम से खुश होकर उसका बॉस उसकी तारीफ करता है। और तब एलेक्स वहाँ पर खुश होता है, जिसमें एक लड़की एलेक्स के साथ फ्लर्ट करती है। और तब गॉड एलेक्स को उसके मन पर कंट्रोल करने कहते हैं, और तब एलेक्स शांत होता है और वो लड़की एलेक्स से काफ़ी ज़्यादा बातें करती है, लेकिन गॉड की मदद से एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बोलता। कुछ देर बाद एलेक्स बालकनी में आता है और वहीं पर वो लड़की आती है, जिसमें गॉड वहाँ पर नहीं होते और वो काफ़ी अकेली है ये बताती है। और तब एलेक्स डर जाता है। कुछ देर बाद वो गॉड के पास आता है, जिसमें उसे वापस जाना है ये वो बताता है, और वहाँ से दोनों स्वर्ग में वापस आते हैं, जिसमें एलेक्स ने खुद पर अच्छा कंट्रोल किया था और इसलिए उसे काफ़ी सारे वाइट बॉल्स मिलते हैं, और वहाँ गॉड भी एलेक्स की तारीफ करते हैं। और फिर टेबल को फिर से घुमाया जाता है, जिसमें एलेक्स को खुद की लालच और स्टूपिडिटी पर कंट्रोल करना होता है, और ये चीज़ एलेक्स को नहीं समझती। और तब गॉड बताते हैं कि एलेक्स हमेशा भड़क जाता है और वो खुद के विचार दूसरे लोगों पर डालता है, जिसमें उसे दूसरों की बातें सुनकर उनकी खुशी के लिए उनके साथ एग्री होने का टेस्ट देना होगा। और तब एलेक्स बताता है कि वो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, और तब गॉड उसे उसके विचारों से दूसरे को हर्ट नहीं करने कहता, साथ ही वो उसे सच्चाई की टोपी भी पहनाते हैं। और वहाँ से एलेक्स फिर से अपने घर पर सैम, जेन और मिया के साथ डिनर कर रहा होता है, और वहाँ वो लोग सिंगर्स के बारे में बात करते हैं, और तब एलेक्स अपने फेवरेट सिंगर की तारीफ करता है, और वहाँ मिया के खाने की भी वो तारीफ करता है, जिसमें सभी लोग खुश होते हैं। और फिर वो सभी लोग बातें करते हैं, जिसमें एलेक्स ड्रिंक्स लेता है और वो अपने बारे में सभी चीज़ें सच बताकर खुद का मजाक उड़ाकर सभी लोगों को खुश कर देता है। और फिर एलेक्स वापस आता है, जिसमें सब लोग एलेक्स के लिए तालियां बजाते हैं, और वहाँ एलेक्स के पाइप में वाइट बॉल्स भर जाते हैं, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाने वाला होता है, जिसमें अब इस गेम को एलेक्स के बाद के लोगों के साथ खेला जाने वाला होता है, और अगर एलेक्स चाहे तो वो अपने वाइट बॉल्स अगले कंटेस्टेंट को भी देकर उसकी ज़िंदगी बचा सकता है ये एक लड़का बताता है। और तब एलेक्स इस चीज़ के लिए मना करता है, जिसमें वो सुधर चुका है और उसे अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए ये बोलता है। और तब गॉड बताते कि अगला कंटेस्टेंट वहाँ पर एलेक्स की वजह से आया है, जिसमें उसने जिस रेड कार को ठोका था वो भी मर चुके थे,
और तब एलेक्स बोलता है कि उसे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, उसका परिवार है और उसे उनके लिए वापस जाना है। और उसने बीच में एक बार चीट भी किया था, जिसमें वासना के टेस्ट में उसने उस लड़की का नंबर भी लिया था। और तब वहाँ बाकी गॉड दुखी होते हैं, जिसमें एलेक्स के सारे वाइट बॉल्स चले जाते हैं और वहाँ ब्लैक बॉल्स की बारिश होती है। और वहाँ गॉड बताते हैं कि वो जो भी करते हैं वो घूमकर उन्हीं के पास वापस आता है, जिसमें एलेक्स कभी भी खुद को छोड़कर किसी और के बारे में नहीं सोचता और वो अपने परिवार से कभी भी अच्छे से बात भी नहीं करता। और वो एलेक्स का आखिरी दिन का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एलेक्स भड़का हुआ था और वो अपने घर से काम पर जाने निकल रहा था, जिसमें वो अपनी बेटी को हग भी नहीं करता और वो उसकी स्कूल मीटिंग में भी नहीं आ रहा, ये बताकर एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। और उसके जाने के बाद कैट पूछती है कि क्या उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, और तब मियाँ बताती है कि वो काम के चलते काफ़ी बिजी और परेशान है, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और वही दिन एलेक्स का बर्थडे होता है और इसलिए कैट बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। और मियाँ और कैट एलेक्स के लिए एक नई कार लेने जाते हैं, जिसमें वो दोनों एक रेड कार को चूज़ करते हैं। और ये देखकर एलेक्स डर जाता है, जिसमें वो कार लेकर मियाँ घर कैट के साथ आ रही होती है। और वो एलेक्स को फ़ोन करके शाम को भी घर पर जल्दी आने के लिए बताती है। और एलेक्स के भड़के हुए होने की वजह से वो अपनी गाड़ी अपनी पत्नी मियाँ की कार को ही ठोक देता है, जिसमें गॉड बताते हैं कि मियाँ और कैट भी मरने की कगार पर है। और यहाँ पर अगली गेम उन्हीं के साथ खेली जाने वाली है। और तब एलेक्स अपने सारे वाइट बॉल्स उन्हें देने कहता है, और तब गॉड बताते हैं कि एलेक्स लेट है और वो अपनी ज़िंदगी चुन चुका है। और तब एलेक्स वापस नहीं जाना चाहता और तब गॉड उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स हॉस्पिटल में उठता है और वहाँ पर उसे डॉक्टर दिखते हैं और वो बताते कि एलेक्स अब बेहतर है। और तब एलेक्स कैट और मियाँ के बारे में पूछता है और तब डॉक्टर बताते हैं कि वो दोनों कोमा में हैं, जिसमें कैट की एक किडनी फेल हो चुकी है और उसे डोनर की ज़रूरत है। और तब एलेक्स उसकी किडनी लेने कहता है, जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि वो ये चीज़ उसके टेस्ट करके बताएगा। कुछ देर बाद एलेक्स आकर कैट और मियाँ को देखता है, जिसमें डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि कैट की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी है और अगर एलेक्स ने उन्हें दिया तो वो मारा जा सकता है। और तब एलेक्स बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी जी ली है और अब वो चाहता है कि उसकी बेटी को उसकी ज़िंदगी जीनी चाहिए। और तब डॉक्टर बताते हैं कि अगर वो ये चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ इल्लीगल है। और तब एलेक्स कैसे भी उसकी बेटी को बचाने कहते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ खाकर बेहोशी की हालत में दिखता है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी देकर अपनी दोनों किडनी से अपनी बेटी को बचाना चाहता है। और उसे वहाँ से डॉक्टर लेकर जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है, जिसमें एलेक्स खुद को भगवान के पास देखता है, लेकिन असल में वो डॉक्टर्स के साथ होता है। और वहाँ फिर से उसकी किडनीस लेने के लिए वो कहता है और तब डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें डोनर मिल चुके हैं और कैट की हालत अब ठीक है और एलेक्स ने अभी काफ़ी ज़्यादा दवाई ले ली थी और इसी वजह से उसके पैरों पर असर गिला है और वो कभी चल नहीं सकता। लेकिन वहाँ एलेक्स अपने परिवार के लिए खुश होता है और वहाँ से डॉक्टर भी उसकी तारीफ करके निकलते हैं। कुछ महीनों के बाद एलेक्स फिर से रेस्टोरेंट में आता है, जिसमें वेट्रेस गलती से एलेक्स पर कॉफ़ी गिरा देती है और वो डर जाती है। लेकिन वहाँ एलेक्स बताता है कि उसके पैर काम नहीं करते और इसी वजह से उसे कुछ फील नहीं होता और वो वेट्रेस की तारीफ़ करता है। और फिर एलेक्स वहाँ से अपनी व्हील चेयर पर निकल जाता है, जिसमें वो वेट्रेस भी इस बार खुश होती है। और वहाँ से घर जाते वक्त एलेक्स घर में सभी चीज़ों को काफ़ी खुशी की नज़र से देखता है और वो रास्ता साफ करते करते आगे बढ़ता है। और फिर एलेक्स घर पहुँचता है, जिसमें कैट और मियाँ आकर उससे मिलते हैं। और वहाँ एलेक्स अपनी प्रिंसेस कैट से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है ये बोलता है, जिसमें मियाँ भी खुश होती है और वो तीनों साथ में खेलने लगते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म खत्म होती है।
और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।